नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, क्या है कि देखो टाइम नहीं मिल रहा मुझे। और वैसे देखो, मैंने मॉडल पेपर तो मैं करवा रहा हूं, तो हिंदी अनिवार्य है कि जैसे मैंने 4 मॉडल पेपर करवा दिए हैं डेस्वर्क के, और आज हमारा दोस्तों 5वां मॉडल पेपर है। ठीक है, तो आज हम 5वां मॉडल पेपर हिंदी अनिवार्य के अंदर देखेंगे दोस्तों, डेस्वर्क का है। इससे पहले मैंने 4 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। और इस मॉडल पेपर की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप क्लिक करके दोस्तों अपने मोबाइल के अंदर जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं इन मॉडल पेपर को। ठीक है, तो दोस्तों देखो, कई दोस्त कह रहे थे कि आप बोर्ड पर क्यों नहीं आ रहे, तो देखो टाइम नहीं मिलता दोस्तों, ये वीडियो भी शाम को बनाना पड़ रहा है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन कोशिश करूंगा दोस्तों, आपसे भी ज़्यादा चिंता मुझे रहती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों बहुत ही जल्द बोर्ड पर आने का। ठीक है, तो यह आज हमारा देखो मॉडल पेपर नंबर 5 हिंदी अनिवार्य का। ठीक है, उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी, और पूर्णांक आपके सामने 80 नंबर का दे रखा है, और समय आपको दिया जा रहा है 3 घंटे और 15 मिनट का। तो इस पेपर को आप बोर्ड का पेपर ही मानिएगा दोस्तों। ठीक है, और आप देखिएगा कि भाई इसमें से मुझे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये एक बोर्ड का पेपर है हिंदी अनिवार्य का, ये ब्लू प्रिंट के अनुसार तैयार किया गया है। अब आप देखेंगे दोस्तों इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। चलो देखते हैं, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये इसमें खंड ए, और खंड ए के अंदर दोस्तों आपकी हिंदी अनिवार्य के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आएगा एक ए पठित गद्यांश का। ए पठित गद्यांश का मतलब है जो आपके पहले पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसा गद्यांश आएगा, और ये आपके 6 नंबर का गद्यांश आएगा। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। तो देखते हैं दोस्तों कितने। पहले देखो, ये 6 नंबर तो आपके बिल्कुल फ्री में आ रहे हैं। पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होगा, 3 बार से अधिक पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करनी है, अच्छे देखना, सोचना समझना कि भाई ये गद्यांश जो है वो क्या कहना चाह रहा है, और इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। तो देखते हैं सबसे पहले कि शिक्षा विविध जानकारियों को ढेर नहीं है। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है, और जो आत्मसात हुए बिना वह आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि तुम केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र निर्माण कर लेते हैं, तो तुम एक पूर्व ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो सकते हैं। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी ही होता, तब तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत हो जाते और विश्व को महान ऋषि बन जाते। वे शिक्षा जो जन समुदाय को जीवन संग्राम की उपयुक्त नहीं बनाती, जो उनके चारित्र शक्ति का विकास नहीं करती, जो उनमें भूत दया का भाव और सिंह का साहस पैदा नहीं करती, क्या उसे भी हम शिक्षा का नाम दे सकते हैं? अतएव हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बढ़े और मानसिक बल जो है वो बढ़े, बुद्धि का विकास हो जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो दोस्तों ये गद्यांश था, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। मैंने पहले भी पढ़ा था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, तो देखते हैं भाई इस गद्यांश में से क्या क्या प्रश्न पूछे गए, और ये 6 नंबर का गद्यांश है, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। तो पहले आपको 3 या 4 बार इसको पढ़ना है। चलो देखते हैं एक प्रमुख क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है आपको कि हमें किन विचारों का अनुभूत कर लेने की आवश्यकता है। हमें किन विचारों को अनुभूत कर लेने की आवश्यकता है? जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण, या इनमें से सभी? तो ये तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, इनमें से सभी। हमने जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण ये सभी देखे थे। ठीक है, तो इन विचारों को अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है हमें, जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण। चलो देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है कि शिक्षा का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ है जानकारी प्राप्त करना, विश्वकोश पढ़ना, पुस्तकालय जाना, जीवन चरित्र निर्माण करना। तो शिक्षा का जो सही उद्देश्य है वो है दोस्तों जीवन चरित्र निर्माण करना। ठीक है, और ये आपके 1 नंबर पक्का है। अगला देखिएगा, तीसरा क्या कहना चाह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य है ग्रंथालय को कंठस्थ करना, चरित्र बुद्धि का विकास करना, गड़बड़ करना, या इनमें से कोई नहीं? तो वैसे देखो, शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र बुद्धि का विकास करना। किसका विकास करना? चरित्र बुद्धि का। अगला देखिएगा, अतएव शब्द अंत प्लस एव दो शब्द के मेल से बना है, प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? देखो दोस्तों, अतएव अतएव इनमें कौन सी संधि है?
तो दोस्तों इसमें तो व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या अयादि संधि है बताइएगा। तो इसमें आप सभी को पता होगा दोस्तों इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि देखो अंत, देखो ये विसर्ग का चिन्ह आ गया तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, शिक्षा और मनुष्य, सारहीन शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा या शिक्षा का उद्देश्य। तो इसमें देखो इस गद्यांश का प्रमुख जो शीर्षक है दोस्तों वो इसमें बताया गया है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, यानी इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, जो शिक्षा भूत दया भाव और सिंह का साहस पैदा नहीं करती हैं वे सारणीय शिक्षा होती हैं, अर्थपूर्ण शिक्षा होती है, स्वावलंबी शिक्षा होती है या उद्देश्य मूलक शिक्षा होती है। तो कौन सी शिक्षा होती है, तो ये होती है दोस्तों सारहीन शिक्षा। ठीक है, सारहीन शिक्षा इसका ये राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट आपके सामने दे रखा है, ये आपको अपठित पद्यांश पूछा है। अपठित पद्यांश का मतलब जो आपके पहले पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अब की बार पद्यांश पूछा है, पहले हमने गद्यांश पूछा है, अब की बार पद्यांश। तो ये पद्यांश आपके 6 नंबर का है दोस्तों, तो इस पद्यांश को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से और फिर हम देखते हैं इनमें से क्या क्या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। तो दोस्तों इसको पढ़ लेना है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो मनुष्य का जन्म जो है वो किस उद्देश्य से हुआ है, तो मनुष्य का जन्म दोस्तों कर्म करने के लिए। आप पद्यांश को पहले पढ़िएगा। ठीक है, देखो ईश्वर ने मनुष्य को कौन सी विशिष्ट चीज दी है, ईश्वर ने मनुष्य को कौन सी विशिष्ट जो है वो चीज दी है, तो वो दी है दोस्तों काम करने के लिए हाथ। ठीक है, ये प्रमुख दिए हैं। पहले आप पद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक प्रश्न पता चल जाएंगे। ठीक है, काव्यांश में संदेश नीत है, प्रगति करने के लिए या निराश न होने के लिए, काम करने का या जीवन को सार्थक बनाने का। तो काव्यांश में जो संदेश है दोस्तों वो है भाई काम करने का, यानी इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर किसका सहारा बनता है, ईश्वर जो है वो किसका सहारा बनता है, तो ईश्वर सहारा बनता है कर्म करने वालों का। किसका बनता है, कर्म करने वालों का। तो इस गद्यांश का प्रमुख देखो शीर्षक नीचे लिखो विकल्पों में से छाटिए कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो इस गद्यांश का शीर्षक है दोस्तों कर्म का महत्व, तो इसमें बताया गया है इस पद्यांश में। गद्यांश नहीं है दोस्तों, पद्यांश है, सॉरी पद्यांश। ठीक है, ये तो पद्यांश है। चलो देखते हैं, इसी प्रकार से इसमें दे रखा है कि अलभ्य शब्द का विप्रार्थक शब्द कौन सा है, अलभ्य। अलभ्य का हो जाएगा लभ्य। ठीक है, अलभ्य का क्या हो जाएगा, लभ्य हो जाएगा, अलभ्य लभ्य। ये विप्रार्थक शब्द का मतलब विलोम शब्द, उसका उल्टा क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा खालिस्तान भाषा है। तो सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन सी भाषा है बताओ, तो सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा। तो इसमें आपको करना है संस्कृत। भाषा का ही लिखित रूप खालिस्तान कहलाता है, तो भाषा का ही लिखित रूप क्या कहलाता है, भाषा का ही लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, भाषा का ही लिखित रूप वर्ण कहलाता है। घोड़ा सवारी के काम आता है वाक्य में खालिस्तान सब शक्ति है, घोड़ा सवारी के काम आता है। बिल्कुल आप सभी को पता है घोड़ा जो है वो सवारी के काम आता है, तो इसमें कौन सी सब शक्ति हो जाएगी, अभिधा सब शक्ति हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये साधारण सा वाक्य है। अगला है कि लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली खालिस्तान सब शक्ति होती हैं, जो लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराती है वो कौन सी सब शक्ति होती है, वो लक्षणा सब शक्ति होती है। कौन सी होती है, लक्षणा सब शक्ति। अगला दे रखा है कि चरण कमल बंदो हरी राय पंक्ति में आरोप के कारण खालिस्तान अलंकार है। बिल्कुल, चरण कमल बंदो हरी राय पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये इसमें देखो इसमें जो अलंकार होगा वो होगा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। सुनहले सूरज में खालिस्तान अलंकार, ये पहले भी पूछा गया था सुनहले सूरज, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। चलो देखते हैं प्रमुख क्वेश्चन और आगे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है दोस्तों, जैसे परिभाषिक शब्दावलियों के मैं अर्थ बताना है। ठीक है, इसमें दे रखा है जैसे अपॉइंटमेंट और कॉर्पोरेशन। तो देखो अपॉइंटमेंट यानी इसका मतलब होता है शपथ पत्र। ठीक है, शपथ पत्र। ठीक है, और यहाँ पर कॉर्पोरेशन इसका मतलब जो होता है वो होता है दोस्तों भ्रष्टाचार। क्या होता है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। और अन्वेषण शब्द का अंग्रेजी शब्द लिखिएगा, अन्वेषण शब्द का अंग्रेजी शब्द लिखिए। तो अन्वेषण शब्द का जो अंग्रेजी शब्द होता है वो होता है दोस्तों इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जो है वो अन्वेषण शब्द का अंग्रेजी शब्द है। चलो देखते हैं अगला, फीचर किसे कहते हैं, फीचर। तो ये तो फीचर शब्द किस भाषा से बना है ये पूछा है, तो फीचर शब्द दोस्तों लैटिन भाषा से बना है, आपको पता होगा। ठीक है, और अगला दे रखा है कि किशनदा यशोधर पंत की सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगवा सके, किशनदा जो है वो यशोधर पंत को सरकारी नौकरी जो है वो क्यों नहीं लगवा सके। तो आपको लिखना है कि भाई क्योंकि यशोधर पंत की जो उम्र है उस समय सरकारी नौकरी के लिए कम थी। ठीक है, इसलिए जो है वो नौकरी नहीं लगवा सके। जूझ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है, तो जूझ पाठ जो है वो आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है,
तो ये है दोस्तों आत्मकथात्मक उपन्यास का, ठीक है, आत्मकथात्मक उपन्यास का जो है वो अंश है। खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति के संबंध में पुरातात्विक मार्टिकटर विलर ने क्या कहा था? तो खुदाई से मिली नर्तकी की मूर्ति के संबंध में पुरातात्विक मार्टिक विलर ने क्या कहा था? तो मूर्ति के संबंध में मार्टिक पीटर विलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी जीत शायद ही होगी, ठीक है, और मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी। एन फ्रैंक ने किस मान्यता के बदल जाने पर विश्वास व्यक्त किया है? तो इन्होंने अगली सदी तक औरतों का काम केवल बच्चा पैदा करना नहीं रहेगा इस मान्यता के बदल जाने पर विश्वास व्यक्त किया है। आधुनिक युवा बन चलने पर यशोधर बाबू के बच्चे उनसे क्या अपेक्षा करते थे? तो इसमें जो है बच्चे अपेक्षा करते हैं कि यशोधर बाबू स्कूटर ले लें क्योंकि साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, ठीक है, ये ऐसा है, आप लिखना है, आपको लिखना है इसी तरीके से कि ठीक है, लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? तो ये आपको इसी तरीके से बताना कि मास्टर जी ने जब पाठशाला के एक समारोह में उसे सभी लड़कों के सामने कविता गवाई थी, ठीक है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के किस गीत काव्य संग्रह से लिया गया है? तो यह लिया गया है निशा निमंत्रण से, ठीक है, निशा निमंत्रण से। भक्तिन की सास कितने पुत्रों की माँ थी? तो भक्तिन की सास जो है वो कितने पुत्रों की माँ थी? तो तीन पुत्रों की माँ थी। अब देखो ये इस तरीके से ये खंड बे के अंदर क्वेश्चन आ गए हैं, तो सभी क्वेश्चन तो यानी करवाऊंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जनसंचार के कोई दो कार्य लिखिएगा, हिंदी वेब पत्रिका की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो ये प्रमुख क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।